एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लिख रहा हूँ। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है न्यून कोण त्रिभुज में, तो न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और ए डी लंब है बी सी भुजा पे, और सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी। तो दिया हुआ है ये न्यून कोण त्रिभुज जिसमें कोण बी है वो न्यून कोण है या 90 डिग्री से छोटा है और ए डी लंब होता है बी सी पे, और ये आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर के बराबर आपको रिजल्ट लेकर आने, तो ये ए सी स्क्वायर वाला त्रिभुज आप बाद में दो नंबर समीकरण में लेना था कि आपको कंटिन्यू आप उसमें लिख सको। अगर आप जैसे इन दोनों साइड में से आप कोई सा भी त्रिभुज पहले ले सकते हो, लेकिन ए सी वाला आपको बाद में लेंगे तो उससे आपको ज्यादा स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। अगर आपने पहले ले लिया है तो आपको ए सी स्क्वायर वाला, तो आपको फिर वो समीकरण नंबर बना करके वापस उसको लिखना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में अगर मान लो ए सी स्क्वायर ना आगे यहाँ ए बी स्क्वायर आ रहा है तो इधर चेंज हो जाएगा ए बी की जगह ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड में वो ए बी स्क्वायर के बराबर भी सिद्ध करवा सकता है, इस साइड ए सी स्क्वायर के बराबर भी सिद्ध करवा सकता है। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम भी चेंज कर सकता है, पी क्यू आर कर सकता है। तो इस तरह से नाम चेंज करने पर ये जो अल्फाबेट है वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद उत्पत्ति के अंदर अपने को ए सी स्क्वायर के बराबर लेकर आना है, तो सबसे पहले अपन ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस साइड वाला, उसके बाद में जिसमें ए सी करण बन रहा है वो त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में बोधायन प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो बोधायन प्रमेय से, तो इसमें आप बोधायन प्रमेय लगाते हो तो करण कोण है ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई ए। इसी तरह आप समीकरण दूसरी बनाने के लिए समकोण त्रिभुज लेंगे ए डी सी, तो अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भी आप बोधायन प्रमेय लगा सकते हो क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, तो बोधायन प्रमेय से, तो इसमें अगर आप बोधायन प्रमेय लगाते हो तो करण कोण है ए सी है, सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इसमें कोण है या आधा डी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई दो। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से समीकरण एक से, क्योंकि ए सी के बराबर तो ये लेकर आना है आपको, तो नंबर एक में ए डी कॉमन है, नंबर दो के अंदर उसको रिप्लेस करेंगे वो समीकरण नंबर एक से करेंगे, तो समीकरण नंबर ए डी स्क्वायर का मान निकालेंगे अपन, तो समीकरण ए, समीकरण एक से ए डी स्क्वायर का मान सेम उसी से ए बी में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये मान आया है समीकरण नंबर एक से, और इसको रखना किस में, समीकरण नंबर दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो ये समीकरण नंबर दो में अपन पुट करेंगे इसको, तो समीकरण नंबर दो है ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर मान कर देंगे, क्या लिखेंगे अब ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और आगे प्लस इस डी सी को आंसर के अंदर डी सी नहीं आ रहा है, डी सी का रिप्लेसमेंट है किससे हो रहा है, ये बी सी इंटू बी डी आ रहा है, तो बी सी इंटू बी डी कैसे आएगा कि अगर आप डी सी की जगह इस पूरी भुजा में से बी डी घटा दो तो ये डी सी आ जाएगा, पहले वाले में तो वो जोड़ हो रहा था और यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस डी सी को आप रिप्लेस किससे करोगे बी सी माइनस बी डी से, डी सी की जगह क्या लिख दोगे बी सी माइनस बी डी से इसका रिप्लेसमेंट कर देंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है इसके ऊपर। अब उसमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे अपन, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, आगे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस दोनों का दुगुना, तो बी सी इंटू में बी डी, यहाँ बी डी स्क्वायर माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू में बी डी, तो ये आपको सिद्ध करना था, तो हेंस रूल। तो इस तरह बोधायन के जो ये दो रिजल्ट है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो बोधायन के अंदर जो 2018 में पूछा गया था इस 11 पॉइंट जो चार प्रश्न वाली है उसका लास्ट क्वेश्चन, तो ये प्रश्न जो दोनों है बोधायन के थ्योरम से रिलेटेड, तो दोनों इंपॉर्टेंट है।